पहली बात तो यह है कि भूरिया जी हिसाब मांगने वाले होते कौन है, उनकी हैसियत क्या है? पूरे देश के राम भक्तों से हिसाब मांगने वाला एक व्यक्ति कौन होता है? और अगर उस व्यक्ति ने एक नए पैसे का भी चंदा दिया हो राम निर्माण में, तो वो रसीद बताए। बिना रसीद। दूसरा दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस की सरकार ने तो शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि राम तो हुए ही नहीं है। और जब अयोध्या में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनकी प्रमुख, उनकी राजमाता को निमंत्रण दिया, तो उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी का व्यक्ति, उसको क्या अधिकार है हिसाब किताब मांगने का? और वो कौन होता है हिसाब किताब मांगने का? उसकी हैसियत क्या है? तो नहीं नहीं, देखिए ऐसा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, उनकी हैसियत देख के फिर बात करना चाहिए। आज वो कुछ भी नहीं है, आज वो शून्य है, और उनकी मानसिक स्थिति